समकालीन रूप से काम भी करता हूँ और मैं हिंदी और अंग्रेजी में शौकिया बस लिखता हूँ। हिंदी में मेरी कई किताबें हैं, हमें 2-3 बार इंटरनेशनल पुरस्कार भी मिला है। वो जो मॉरिशस में जो विश्व संस्था है, हिंदी संस्था है, उसके तरफ से अभी 2019 में हमारी कहानी को प्रथम पुरस्कार भी मिला है। तो हम लोग हिंदी के लिए यहाँ काफ़ी चर्चा करते रहते हैं और हिंदी में विश्व भाषा बने, विश्व मंच पर आए, इसलिए हम लोग भी यहाँ प्रयत्नशील रहते हैं। और मेलबोर्न में हम लोगों की 2 संस्थाएं हैं जिसको हम लोग चलाते हैं, उसमें कविता पाठ लोग करते हैं, हम लोग महीने में 1 या 2 बार मिलते हैं। और ऐसे भी जूम पर होने से हम और काफ़ी लोगों से, काफ़ी जैसे अमेरिका है या ब्रिटेन है, इंडिया से है, वहाँ से हम काफ़ी उन लोगों के साथ हमें भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ लोग हैं उनको मैं जानता हूँ और जूम के थ्रू उनसे काम भी करता हूँ। तो मुझे और मैं जहाँ तक मेरी समझ है, आज जो आप लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो कोविड से रिलेटेड है, कोविड और जो माइग्रेशन है उससे रिलेटेड है। ये बहुत समकालीन और सामयिक विषय है जिसका एक दूरगामी प्रभाव भी होगा, एक वैश्विक प्रभाव भी होगा, इसलिए इस चर्चा का विषय बहुत ही अच्छा है। और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ और जिनको इसके बाद जिनको अपनी अपनी बात रखनी है वो सामने आए। मैं किस ऑर्डर में है ये मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए जो भी वहाँ उपस्थित हैं उसमें से मैं किसी एक व्यक्ति को कहूँगा कि अपना विचार रखें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं राजू कुमार। मैं मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बहुत अच्छी है, आवाज आ रही है। नमस्कार सर, राजू कुमार, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा शोध विषय है, मैं माइग्रेशन पे ही है, लेकिन मेरा जब भी शोध आलेख जो भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसका टाइटल है प्रवासी भारतीयों को भारत योगदान। सबसे पहले आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं शुरू करता हूँ सर अपना शोध प्रबंध। प्रवासी भारतीय जो प्राचीन काल से ही भारत से बाहर आते जाते रहे हैं, चाहे धार्मिक कारण हो, चाहे व्यापारिक, चाहे राजनीतिक, मध्यकाल में भी जारी रहा, लेकिन औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा बगान मालिकों की मांग के अनुरूप यहाँ से काफ़ी मजदूर भेजे गए, जैसे मॉरिशस, फिजी, गयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो। ये शुरू हुआ था दास प्रथा के प्रतिस्थापन के रूप में। जब दासों ने काम करने से इनकार कर दिया, दास प्रथा पे प्रतिबंध लग गया, तो उन्होंने एक ऑप्शन के रूप में भारतीयों को लेना शुरू किया। और सबसे पहले जब मॉरिशस से भारतीय गए तो काफ़ी उन्होंने अच्छा काम दिखाया, जिसके आधार पर उन्होंने अन्य देशों में भारतीयों को पहुँचाया। कुल मिला के ये 1834 से 1916 तक, जब तक कि ये गिरमिटिया को बंद न कर दिया जाए, 15 लाख से ज़्यादा भारतीय भारत से बाहर मौजूद थे। स्वतंत्रता पश्चात सारे भारतीय जो भारत से बाहर रह रहे थे, भारत की तरफ एक आशा से देख रहे थे कि उनको भारत में आने का दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन भारत की राजनीति उनके अनुकूल नहीं थी उस समय। और इससे पहले जब गांधी जी, बनारसीदास चतुर्वेदी जी इन प्रवासी भारतीयों के पक्ष में काफ़ी काम कर चुके थे, उन्होंने प्रवासी भारतीयों की समस्याओं को काफ़ी लोगों तक पहुंचाया भी, जिसमें से बनारसीदास चतुर्वेदी का योगदान काफ़ी था, जिन्होंने फिजी पे किताब लिखा, प्रवासी समस्याओं पे किताब लिखा, श्रीलंका, मलया और जगहों पे भारतीय राष्ट्रवादियों को भेजा गया कि उन प्रवासियों के क्या समस्याएं हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता पूर्व यथावत रह गया, लेकिन स्वतंत्रता पश्चात प्रवासी भारतीयों के प्रति राष्ट्रवादी नेताओं ने जो जाँच किया था, उससे ये अनुमान लगा था कि बहुत से भारतीय जो भारत से बाहर है उनकी समस्याएं हैं, बाहर अपनी भारतीय संस्कृति को एक अक्षुण्ण जीवन बनाए रखे थे, जो अमूर्त संस्कृति अपने साथ ले गए थे उसको एक मूर्त रूप देके भारत से एक जुड़ाव महसूस कर रहे थे और भारतीय संस्कृति को अपनाए हुए थे। 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, उनका इस आशा जो था निराशा में बदल गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उन प्रवासियों के लिए कुछ खास नहीं किया। उन्होंने एक नीति अपनाई, सक्रिय असहचर की नीति, जिनका उद्देश्य था कि जो भारतीय जहां है वहीं रहें और उसी देश में रह के अपना
पालन करें। नेहरू जी ने 1948 के संविधान में जब बन रहा था उन्होंने इन व्यक्तियों को शामिल करने पर विचार रखा था, लेकिन वो भारतीय राजनीति में स्पष्ट नहीं बैठ रहे थे, जिनको उन कहा कि आप जो जहां है उसी देश में चुप रह के अपना उन देशों में साथ दीजिए। इसी बीच आते हैं डॉक्टर सिंधी महोदय, जो राजस्थान से जन्मे थे। 1960 के दशक में वो भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं और जब पहली बार 1962 में लोकसभा में सदस्य बने तो नेहरू के समक्ष प्रवासी भारतीयों से जुड़े प्रश्नों को रखा। इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने में प्रवासी भारतीयों के लिए एक नए शब्द भारतवंशी को रखा। इस शब्द को रखते हुए उन्होंने बताया कि यह शब्द वंश को किसी जाति या परिवार से नहीं जोड़ता, बल्कि वह देश के विराट परिवार का परिचायक है। सिंधी महोदय को यह प्रेरणा भारत में ब्रिटिश प्रवासी समुदाय से पाया था। उनके अनुसार जब भारत उपनिवेश था तब हमारे यहाँ ब्रिटिश प्रवासी काफी रह रहे थे, वैसे ही अमेरिका में भी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जर्मनी के लोग रह रहे थे, ये सब प्रवासी लोग थे। इस प्रकार सांस्कृतिक विविधता से स्पष्ट था कि भारतीय भी जो भारत बाहर रह रहे हैं वो भारत का नागरिक हैं, किंतु वो अपने संस्कृति की पहचान को बनाए रखे थे और स्मृतियों को वो जोड़ रहे थे। ऐतिहासिक शोध और गहन अध्ययन में सिंधी महोदय पाते हैं कि कई वर्षों के दास्ता कारण हम लोग विदेशों को काला पानी कहने लगे थे और हमने विदेश गमन और प्रवास को निश्चित कर दिया था। हमारे पूर्वज देशांतर गए और भारत संस्कृति को संदेश देके विश्व भर में प्रसारित किया। यह सिंधी महोदय का सौभाग्य था कि उन्होंने प्रवासी भारतीयों का प्रश्न लगातार 4 दशकों तक उठाते रहे, चाहे वो इंदिरा गांधी सरकार थी चाहे राजीव गांधी सरकार था। जब वो ब्रिटेन में सचिव में बन गए थे, उन्होंने प्रवासी भारतीय समस्याओं को काफी नजदीक से देखा था। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ प्रवासी भारतीयों को भी प्रश्नों को फिर से उठाया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रवासी भारतीयों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए उन्होंने प्रश्न रखा, लेकिन फिर वो पीवन भगवती के साथ मिलकर प्रवासी भारतीयों को एक नया आयाम दिए। करीब आधे दशकों तक चली डॉक्टर सिंधवी की यह समस्या तब दूर हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस समस्या को गहरी रुचि लिया और उन्होंने सक्रिय दूरदर्शिता का संदेश देते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सिंधी महोदय के शब्दों में उनकी यह पहल एक दृष्टि थी, एक संकल्प था। यह उनका संकल्प था कि विश्व में भारत के लिए अग्रणी भारतवंशी सेतुओं का निर्माण हो, यह वाजपेयी जी का कथन है। सिंधी महोदय की अध्यक्षता में एक समिति गठन हुई जो करीब 2.5 दशकों में जाके भारतीय का एक दस्तावेज तैयार किया, जो इसको इतिहास में डायस्पोरा रिपोर्ट नाम से जानते हैं। ये 2002 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिसमें आर एल भाटिया, जे हरिमेश, बालेश्वर अग्रवाल, जेसी शर्मा शामिल थे। इस रिपोर्ट के आधार पर सिंधी महोदय ने कई सारे सुझाव दिए थे, जिसमें अंतिम सरकार में शामिल एक महत्वपूर्ण सुझाव में भारतीय मूल के लोगों के लिए कई एक कार्य योजना के साथ साथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाना भी शामिल था। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव था कि प्रवासी भारतीयों को भारत सम्मान पुरस्कार भी दिया जाए। प्रधानमंत्री वाजपेयी द्वारा तीनों सुझाव को तत्काल स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा इसमें कुल 600-160 अंक सिफारिशें भी शामिल थी जिसे स्वीकार किया गया। ये सभी सिफारिशें प्रवासी भारतीयों और भारत सरकार के हित में थी। आगे चलकर इस समिति को स्वीकृति मिली और 9 जनवरी को प्रथम भारतीय दिवस मनाया गया। ये डॉक्टर सिंधवी का ही देन था जो एक प्लेटफॉर्म पे प्रवासी भारतीय भारत में मौजूद हुए थे। इस दिवस में विश्व के अलग देशों से भारतवंशी आए और एक संस्कृति निर्माण हेतु कार्य आरंभ हुआ। भारत का तब से लेके आज तक कम से 15 बार प्रवासी दिवस मना चुकी है, जो भारत का एक सांस्कृतिक जुड़ाव का होना पाया जाता है। सिंधी महोदय भारतवंशी के बारे में ये बतलाते हैं कि प्रवासी भारतीय जो भारतवासियों के हिंदी में भारतवंशी हैं, वे भारत के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि उनके मन में अपने पूर्वजों की संस्कृति के प्रति एक आकर्षण और लगाव है। आगे प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस एक राष्ट्रीय दिवस में हमारे सामने उन रिश्तेदारों को प्रतिपूर्वक समर्पित है जो दूर दराज देशों में बसे हुए हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति और उनकी हमारे साझी धरोहर है। प्रवासी भारतीय दिवस भारतीयों को स्नेह सम्मान के निमित्त भारतवासी और प्रवासी भारतीयों को एक राष्ट्रीय दिवस है। प्रवासी भारतीय दिवस केवल सरकारी उपक्रम ही नहीं,
यशस्वी सरकार ने एक पहल की है जो आवश्यक थी। इसने प्रकल्प को राष्ट्रीय और वैश्विक विस्तार देने के लिए साहित्यकारों, कलाकारों, चिंतकों, सांसदों, व्यवसायियों और मीडिया के लोगों ने सहयोग भी दिया। व्यवसायियों की दृष्टि में जो बधाई भारतीयों की थी उसको निवेश करके उनको एक अच्छा सा राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई। पद्म भूषण सिंधी महोदय भारतीय जब लिखते थे तो कहते थे कि जब मैं छात्रियों ने एशिया और यूरोप में लगभग समुदायों का अध्ययन किया एक तरह से भारतीय संस्कृति में वहाँ पाया। साथ ही पुरातन में भारतीय संस्कृति और यानी अवदान की चेष्टा में प्रवृत्त हो गई थी। आगे इससे जुड़ी घटनाओं को जिक्र करते हैं बताते हैं कि जब मैं कैलिफोर्निया में शोध अध्ययन कर रहा था तब एक व्यक्ति मुझे मिला। उसने बताया कि वह भारतीय का वंशज है और अपने जड़ों को खोजना चाहता है। इनके पूर्वज 19वीं शताब्दी में कैलिफोर्निया आए थे। वह अकेले थे क्योंकि उसमें भारतीय महिला साथ नहीं आई थी। एक मेक्सिकन के साथ शादी करके वो सेटल हो गए थे। उन दिनों भारत में से कुछ लोग अमेरिका आने थे और अधिकांश लोग उस शिक्षा के लिए गए थे। किंतु जब मैंने उन्हें देखा तो अमेरिकी समाज कई अलग अलग देशों में एक संस्कृति था लेकिन हमारे भारतीय जो थे वो एक संस्कृति में थे। प्रवासी भारतीय को भारत जोड़ने में एक अच्छे प्रयास जो सिंधी मोदी ने किए थे वो राशिदा चतुर्वेदी के द्वारा ही एक असफल प्रयास को पूरा किया गया था। और सिंधी मोदी देश के विकास में प्रवासी किसानों को महत्व बताया। उन्होंने अपने अपने बोनस जोड़ा जो उनका हक था। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपने जो भी कहा है उसके ऊपर कोई और चर्चा करना चाहे, कोई प्रश्न पूछना चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हैं उन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर कुछ चर्चा करने की जरूरत है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो, और आप नहीं पूछना चाहते हैं? अच्छा हाँ, गुप्ता जी, रजनीश गुप्ता जी आ गए। आपका आपका स्वागत है। राइट, आपका स्वागत है। इस रूम के कमरा के कोऑर्डिनेटर हैं तो समय की सीमा क्या होनी चाहिए इसके ऊपर इस तरह ध्यान दीजिए। एक घंटे का सेशन है, उसमें सभी लोगों को समय मिलना चाहिए और इस पर जो बातचीत होनी चाहिए। जहां तक इन्होंने कहा, मैं स्वयं बिहार प्रदेश का रहने वाला हूँ। पटना और मोतिहारी का से मेरा संबंध रहा है। गांधी जी का जब सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, वो हुआ था, वो आप लोग नील उत्पादन के ऊपर हुआ था, विरोध हुआ था। और उसके बाद बिहार से काफी लोग मॉरिशस और फिजी और सुरिनाम इत्यादि वो जगहों पर लोग ले जाए गए और वहाँ वो बस गए। शुरू में तो उनको दिक्कत हुई, लेकिन मेरा एक सवाल है कहना कि जो लोग वहाँ 2-3 जनरेशन से रह रहे हैं, 2-3 पीढ़ी से रह रहे हैं, क्या उन्हें हम प्रवासी कहें? वो भारत वंशी, वो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भारत के समाज से जुड़े हुए हैं, वो भारतीय उत्सव, भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको क्या हम कह सकते हैं कि अभी भी वो प्रवासी ही हैं, या हम लोग उसके या उनके देश के वासी हम लोग माने? सर वो अब भारत वंशी हैं, पहली बात तो वो भारत वंशी हैं। हाँ, भारत वंशी तो हैं, सभी को ही है, वो तो जनरेशन तक रहेंगे भारत वंशी। लेकिन प्रवासी होने में, भारत वंशी होने में अंतर है मेरे समझ से। सर प्रवासी कह के हम उनको एक अलग आयाम देते हैं जो उनको नहीं देना चाहिए। उनको सिर्फ भारतीय कहे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। राइट जी सर, प्रवासी कहते तो एक लगता है कि वो खुद प्रवासी नहीं, अपने आप को नहीं मानते हैं, भारतीय मानते हैं। राइट, ठीक है, भारतवंशी मानते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो रजनीश जी बताइए, गुप्ता जी इसके बाद अब किनका? हाँ सर, किनका नाम है? इसके बाद हमारे पास प्रेजेंटर है जिस डॉक्टर राजेश कुमार और डॉक्टर राजेश मौर्य, और तो है नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो है नहीं यहाँ पे। उसके बाद फिर हमारे दूसरे प्रेजेंटर हैं मिस्टर शक्ति सिंह। सर सबसे पहले तो सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और आपने जो हिंदी के बारे में कहा कि हिंदी को वैश्विक बनाना है, और मैं भी ये कहना कहीं मानता हूँ कि हाँ, हिंदी हमारी आइडेंटिटी है। सबसे पहले तो जहाँ भाषाई बात आएगी तो हिंदी हमारी आइडेंटिटी है, इसलिए हमारा यह अधिकार और हमारा कर्तव्य बनता है कि हिंदी के रूप में हम अपना कार्य विस्तार को बढ़ाएं।
सर मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में विदेशियों के सामने कहता हूँ हिंदी एक पहचान पत्र है जी, हिंदी एक पहचान पत्र है, सीख लो इसको भाई जी, जहाँ भी हिंदी बोलते हैं हमारी हम पहचाने जाते हैं कि हम भारतवंशी है, भारत से आए हैं। तो हिंदी एक भाषा ही नहीं है, ये हिंदी एक हम लोगों का एक पहचान पत्र की तरह विश्व में हिंदी का रूप हो गया है। सर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए लगातार हम लोग काम भी करते रहते हैं। सर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे क्वालिफिकेशन में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंद विश्वविद्यालय जो कि महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के माइग्रेशन डायस्पोरा डिपार्टमेंट से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मेरे पीएचडी का जो टॉपिक है गल्फ माइग्रेशन फ्रॉम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इम्पैक्ट ऑफ रेमिटेंसेस ऑन डेवलपमेंट। ये हालांकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हम लोग काम करते हैं, अंग्रेजी में सारे टेक्स्ट हैं तो हम उसको हिंदी में करके उनको उन पर रिसर्च करते हैं। तो सर हम शुरू करते हैं अपने पेपर के बारे में, पेपर भी मैंने उसी से संबंधित अपना काम किया है। जो मेरे पेपर का टाइटल है सर वो है प्रवासी घरेलू समूहों में उत्प्रवाह के उपयोग एवं प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, यानी जो आंतरिक प्रवासी हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं उनके द्वारा जो उत्प्रवाह आ रहा है, आर्थिक उत्प्रवाह पैसे के रूप में, वो उसका घरेलू उपभोग बचत खपत निवेश के रूप में कैसे कर पा रहे हैं, उनका शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार अन्य चीजों में उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको देखने का तुलनात्मक प्रयास किया गया है। तो सर मैं जहां तक बताऊंगा कि इसके लिए मैंने क्षेत्र लिया है कि पूरी उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से CIM सेंटर इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट आई थी 2018 में, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा माइग्रेशन के रेट में आगे है नंबर वन पर। उसके बाद सबसे मेजोरिटी में पूरी उत्तर प्रदेश का हिस्सा के कुछ 5-6 जिले ऐसे थे जो कि सबसे ज्यादा मेजोरिटी में पूरी उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में मैंने बलिया जिले को चुना डेटा कलेक्शन के लिए। तो वहां से जो आंतरिक प्रवासी वासन किए हैं गुजरात में, हैदराबाद में, दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में, तो और जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो खाड़ी देशों में प्रवासी थे, इन लोगों के ऊपर घरेलू समूहों पर मैंने अध्ययन किया है। जैसे कि ये ज्ञात है कि प्रवासन एक भौगोलिक स्थान से दूसरे भौगोलिक स्थान पे होता है और एक प्रवासन प्रक्रिया के साथ साथ एक आज के समय में सामाजिक आर्थिक एक प्रघटना बन गई है। आज के समय में देखा तो हर एक व्यक्ति प्रवासित है, मैं भी प्रवासित हूँ, आप भी प्रवासित है, एक प्रकार देखा जाए तो इनका कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक कारण रहे हैं, शैक्षणिक कारण रहे हैं। तो जो आज के समय प्रवासन हो रहा है वो इन प्रवासनों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भौगोलिक स्थितियों की भूमिका होती है और संयोजित रूप से इनकी भूमिका पुल फैक्टर और पुश फैक्टर यानी आकर्षक और विकर्षक कारक प्रभावित करता है। कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि गंतव्य की स्थितियां हमें प्रभावित करती हैं तो वहां पर हम प्रवासित होते हैं, और कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारे स्थानीय क्षेत्र की जो स्थितियां होती हैं वो हमारे अनुकूल नहीं होती, हमारे सस्टेन करने लायक नहीं होती, तो हम उन जगह को क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। तो यही पुश और पुल फैक्टर के वजह से लोगों का प्रवासन होता है और लोग एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवासित होते हैं। तत्कालीन प्रवासन का दौर आजीविका दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रवासन रणनीति आजीविका और अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए लिया जाता है। यानी जो घरेलू समूहों से प्रवासन होता है वो एक रणनीति के रूप में होता है, अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो, कि घरेलू आजीविका और उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे स्टेब्लिश किया जाए, कैसे उसको समृद्ध किया जाए, ये घरेलू समूहों द्वारा प्रवासन की रणनीति बनाई जाती है और लोग प्रवासित होते हैं। उत्प्रवाह के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आर्थिक उत्प्रवाह तो बहुत पहले से चला आ रहा है। 1970 जब
गल्फ में ऑयल बूम हुआ उसके पहले से ये कंसेप्ट चला आ रहा है इकोनॉमिक रेमिटेंस के रूप में, लेकिन सोशल रेमिटेंस का कंसेप्ट जो आया प्रोफेसर पेगी लेविट के द्वारा आया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वेलेस्ले कॉलेज की सोशियोलॉजी के प्रोफेसर प्रोफेसर पेगी लेविट ने सन 2001 में लगभग 20 सालों के अध्ययन के बाद सन 2001 में द ट्रांसनेशनल विलेजर्स पुस्तक में उन्होंने सामाजिक उत्प्रवाह की अवधारणा रखी। उन्होंने उसमें बताया कि प्रवासियों के साथ केवल आर्थिक उत्प्रवाह नहीं आता है, सामाजिक उत्प्रवाह भी साथ में आते हैं। ये सामाजिक उत्प्रवाह उनके वहाँ के सीखे गए उनके विचार होते हैं, उनकी आदतें होती हैं, उनकी पहचान होती है, जो कि गंतव्य देश में गंतव्य देश से अपनी निर्जाति समूह में लेकर आते हैं। और इनकी भूमिका हम कई क्षेत्रों में देख सकते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, कि वो रिमोडुलेट करते हैं जो यहाँ से आइडियाज लेकर जाते हैं और वहां पर जो सीखते हैं वो रिमोडुलेट करके अपने ही होमलैंड में लेकर आते हैं, अपने क्षेत्र देश में लेकर आते हैं, अपने परिवार में, समूह में, अपने रिश्तेदारों के बीच में बुलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सन 2001 के बाद से इन दोनों चीजों को लेकर जोड़कर एक साथ में रेमिटेंस का प्रभाव देखा जाने लगा घरेलू समूहों में, जिसके परिणाम और स्पष्टता आने लगे, जैसा कि लिटरेचर रिव्यू वगैरह बताते हैं। आर्थिक उत्प्रवाह वह बाह्य वित्त साधन है जो सूक्ष्म स्तर पर घरेलू समूह में बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रवासन आय को लेकर घरेलू समूह का प्रयास परिवार के सामाजिक आर्थिक पक्षों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खान पान, सुख सुविधा निर्माण कर रोजगार इत्यादि का विकास करना होता है। ऐसे में घरेलू समूह आर्थिक उत्प्रवाह का उपयोग अपनी आजीविका, विकासात्मक पक्ष और सुदृढ़ घरेलू अर्थव्यवस्था के निर्माण में करते हैं। कई लिटरेचर रिव्यू ये बताते हैं कि प्रवासन, उत्प्रवाह और विकास के बीच बहस निरंतर अध्ययनों में आप देखेंगे। कई लिटरेचर रिव्यू ये बताते हैं कि माइग्रेशन, रेमिटेंस और डेवलपमेंट, जो कि एक सर्कल के रूप में चलता है, माइग्रेशन, रेमिटेंस, डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट से फिर माइग्रेशन होता है, रेमिटेंस आता है, फिर डेवलपमेंट होता है, तो ये एक सर्कल के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ये अध्ययनों में निरंतर बहस जारी रहा है। कुछ अध्ययनों ने घरेलू समूह और आर्थिक विकास पर प्रवासन और उत्प्रवाह के प्रभाव को स्वीकार किया है बताते हैं, और कुछ अध्ययन ये बताते हैं कि प्रवासन और उत्प्रवाह के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किए हैं, कि उसके क्या परिणाम होने, प्रवासन के क्या परिणाम हो रहे हैं, उत्प्रवाह के क्या परिणाम हो रहे हैं, क्या निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। किंतु मैं अब इस अध्ययन के साथ ये जोड़ने कर देखने के प्रयास किया हूँ कि उन क्षेत्रों से साथ होने वाले आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के बीच उत्प्रवाह राशि, उपयोग और इनके बीच विभिन्न प्रभाव की भिन्नता क्या रही है, क्या चीजें हम देख सकते हैं। इसके आलोक में शोध का जो उद्देश्य मैंने बनाया, प्रवासन का माध्यम तथा स्वरूप का अध्ययन, यानी कि प्रवासन किस रूप में, कैसे, कहाँ पर हो रहा है, कितने समय के लिए हो रहा है, किस माध्यम से जा रहे हैं, इन चीजों को इसके अंतर्गत देखने का प्रयास किया गया है। और दूसरा उद्देश्य है उत्प्रवाह आय के व्यय प्रबंधन एवं प्रभाव के अंतर संबंध का अध्ययन करना, यानी उत्प्रवाह आ रहा है तो उसका खपत घरेलू समूह द्वारा कैसे, कहाँ और कितना किया जा रहा है और इसका प्रभाव क्या है, क्या पड़ रहा है। आर्थिक उत्प्रवाह घरेलू समूह की अर्थव्यवस्था में बदलाव का माध्यम है, जहां उत्प्रवाह की प्राप्ति के लिए प्रवासन व्यक्ति या परिवार की निर्णय क्षमता पर तय होता है, यानी कि उत्प्रवाह प्राप्ति करना है तो जो उसके लिए प्रवासन करना है व्यक्ति या तो परिवार के निर्णय क्षमता पर निर्भर करता है। कई जो माइग्रेशन थ्योरीज हैं ये अलग अलग अपने अध्ययनों के अनुसार भी तय करते हैं, जिससे कंक्लूजिव ये निकला है कि कई बार व्यक्ति और कई बार परिवार के निर्णय पर भी ये निर्णय क्षमता निकलता है। निर्णय क्षमता पर तय होता है वहां प्रवासन लागत की क्षमता प्रवासन दूरी को तय करता है। कई प्रवासी पहला प्रवासन सीधे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के रूप में करते हैं,
वहीं कई ऐसे प्रवासी जो भी हैं जो आंतरिक प्रवासन के पश्चात अपनी प्रवासन लागत की क्षमता को बढ़ाकर आंतरिक रूप से प्रवासित होते हैं। जितना भी मैंने डेटा कलेक्ट किया और उन डेटाओं से जो चीजें निकली हैं उन चीजों को मैं बता रहा हूँ, इसमें ये निकल कर आया है कि कुछ प्रवासी ऐसे थे सर कि जो कि डायरेक्ट इकोनॉमिकली मजबूत थे तो वो डायरेक्ट गल्फ में प्रवासित हुए। गल्फ में जीसीसी के 6 देश आते हैं, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, तो इन देशों में डायरेक्ट प्रवासित होते हैं। कुछ प्रवासी ऐसे भी मिले जो कि पहले तो अंतर्राज्यीय प्रवासित हुए, उसके बाद से जब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई कई साल बाहर काम करने के बाद, फिर वो अपने सोशल नेटवर्क के द्वारा गल्फ कंट्रीज में मूव किए। ऐसे में यह माना जा सकता है कि अपने प्रवासी अपने श्रम कौशल क्षमता के साथ साथ प्रवासन लागत क्षमता को बढ़ाने के लिए सदैव सक्रिय रहता है। ऐसे में कुछ अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों का परिणाम, कुछ कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च परिणाम बताते हैं सर कि गरीब व्यक्ति प्रवासित नहीं हो सकता है, तो गरीब व्यक्ति प्रवासित नहीं हो सकता जो कि निरर्थक माना जाता है, निरर्थक मैं मानता हूँ। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की कड़ी यह निश्चित करती है कि ऐसे व्यक्ति का प्रवासन भी संभव है। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से प्राप्त उत्प्रवाह के श्रम मूल्य में अंतर अवश्य घरेलू अर्थव्यवस्था में फर्क लाता है। श्रम मूल्य में अंतर हो जाने की वजह से आप देखेंगे कि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय घरेलू समूह में जो पैसे आ रहे हैं प्रवासियों द्वारा भेजे जा रहे हैं काफी डिफरेंसेस मिलते हैं, जिसका उन पर जो खपत है उन खपत में हम अंतर देख सकते हैं। किंतु आंतरिक प्रवासन से प्राप्त उत्प्रवाह की भूमिका उनमें आगे बढ़ने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। ऐसे ही क्षेत्र से आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से प्राप्त उत्प्रवाह के उपभोग में आने वाला अंतर भिन्न भिन्न रूप से प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की रकम बड़ी होने से घरेलू खपत और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक प्रवासियों के प्रवासन लागत और श्रम मूल्य में भिन्नता से उत्प्रवाह की उपभोग क्षमता में अंतर आता है। यानी कि जो आप प्रवासन लागत में पैसे खर्च कर रहे हैं, यानी कि आपके कौशल, आपको अगर इंटरनेशनल रूप से माइग्रेट करना है और आप ज्यादा इनकम की सोर्स के बारे में सोचते हैं, तो आप कहीं ना कहीं प्रवासन लागत से संबंधित उन सभी चीजों को हम जोड़ेंगे जो कि आपके जाने से संबंधित टिकट वगैरह के खर्च, एजेंट को देने वाले पैसे, आपके कौशल में जो खर्च किए गए हुए हैं पैसे, इन चीजों को लेकर इनको हम प्रवासन लागत कहते हैं। और श्रम मूल्य जो कि आपको आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको क्या श्रम का मूल्य दिया जा रहा है, ये उत्प्रवाह की उपभोग क्षमता में अंतर लाता है आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। अध्ययन क्षेत्र से होने वाले प्रवासनों में पुरुष प्रधानता मिलती है। जिस क्षेत्र में मैंने अध्ययन किया है वो सोसाइटी थोड़ा कठोर सोसाइटी है, जिसकी वजह से वहां पर माइग्रेशन के रूप में महिलाओं का उतना माइग्रेशन नहीं देखा गया है, पुरुषों का माइग्रेशन इन रूप में सबसे ज्यादा है। मतलब मैं मानो मेरा जो सैंपल साइज था उसके आधार पर 100% पुरुषों का ही प्रवासन हुआ है। कठोर समाज होने के कारण श्रम कार्य हेतु महिलाओं का दूर प्रवासन नहीं होता है। दूर स्थान पर पारिवारिक जिम्मेदारियों और स्थानीय रोजगार के अभाव में युवा प्रवासन अधिक है। क्षेत्र से प्रवासित प्रवासी अकुशल और अर्धकुशल रोजगार से जुड़े हुए हैं। कुछ ड्राइवर के रूप में गए हैं, कुछ जो एक एक सीमा बांधी जाती है कि ये इस सेमी स्किल के रूप में आता है काम और ये नॉन स्किल के रूप में आता है, इन रूप में हम देख सकते हैं क्षेत्र में देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अर्धकुशल रोजगार में है और आंतरिक प्रवासी अकुशल और अर्धकुशल रोजगार में लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जो खाड़ी के देशों में कार्यरत हैं, वहीं आंतरिक प्रवासी अंतर्राज्यीय प्रवासी हैं। इन प्रवासियों का प्रवासन समय 3 वर्ष लेकर 11 वर्ष तक का है, जिसका प्रभाव उत्प्रवाह रकम और घरेलू आजीविका सहित निवेश प्रबंधन पर पड़ता है। ये जाहिर है कि जो 3 वर्ष से प्रवासी थे, 4 वर्ष से प्रवासी थे, 5 वर्ष से प्रवासी थे, और जो 10-11 वर्ष का प्रवासी समय हो गया है, चाहे आंतरिक चाहे अंतर्राष्ट्रीय, उनके श्रम मूल्य और उनके जो उत्प्रवाह लागत, उत्प्रवाह की क्षमता है भेजने की घर में, उनमें निश्चित डिफरेंसेस आएंगे।
इन प्रवासियों द्वारा भेजा जाने वाला आर्थिक उपप्रवाह अधिकतर मासिक रूप से घरेलू समूह में भेजा घरेलू समूह को भेजा जाता है। उपप्रवाह की रकम आंतरिक घरेलू समूहों की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय घरेलू समूहों में अधिक पाया जा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय घरेलू समूहों के खपत, बचत और निवेश को अधिक अवसर मिल रहा है। आंतरिक घरेलू समूहों की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय घरेलू समूहों में उपप्रवाह का उपभोग विभिन्न पक्षों में कहीं अधिक और सुलभ तरीके से किया जा रहा है। लगभग सभी ग्रहों में ताकि आपके आप अच्छा जी 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 हो जाएगा जी 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 हो जाएगा। लगभग सभी घरों में छोटे बड़े अन्य आय के स्रोत होने से उत्प्रवाह का व्यय विभिन्न पक्षों पर भिन्न भिन्न है। शिक्षा, घरेलू सुविधा और बचत पर सभी घरेलू समूह उत्प्रवाह का हिस्सा व्यय करते हैं। अचल संपत्ति की खरीद में अंतर्राष्ट्रीय घरेलू समूह आगे हैं। इन घरेलू समूहों के शिक्षा, आवास सुविधा और रोजगार विकास पर उत्प्रवाह व्यय से प्रभाव में अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू समूहों में छात्रों की शिक्षा में दी जाने वाली सुविधा आंतरिक घरेलू समूहों के मुकाबले कहीं अधिक है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय घरेलू समूहों के छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आवास सुविधा में भी अंतर्राष्ट्रीय घरेलू समूहों द्वारा खर्च किए गए उत्प्रवाह से बेहतर सुविधा प्राप्त की जा रही है। रोजगार विकास में व्यय उत्प्रवाह यानी खर्च किए गए उत्प्रवाह आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय घरेलू समूहों में लगभग समान है। आंतरिक घरेलू समूहों द्वारा शिक्षा, आवास सुविधा और रोजगार पर उत्प्रवाह का खपत किया जा रहा है, किंतु उत्प्रवाह रकम में फर्क से कमी है। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय घरेलू समूहों के उत्प्रवाह की रकम और उपभोग की प्राथमिकता में अंतर से विभिन्न पक्षों पर प्रभाव में भिन्नता आ रही है। जहां अंतर्राष्ट्रीय घरेलू समूह की खपत, बचत और निवेश प्रबंधन से आंतरिक घरेलू समूह प्रेरित हो रहे हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय घरेलू समूहों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था को और भी समृद्ध करने का प्रबंधन किया जा रहा है। घरेलू उपभोग और अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक उत्प्रवाह की भूमिका महत्वपूर्ण पाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवाह नए सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन हेतु प्रेरित करने और प्रवासन लागत को सरल करने में, साथ ही नव सृजन रोजगार को तैयार करने में आर्थिक सहूलियत प्रदान कर घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास का विकल्प प्रदान कर रहा है। इस हिसाब से ये देखा जा रहा है कि जो आंतरिक प्रवासी हैं वो तो आगे बढ़ने के लिए प्रयास तो कर ही रहे हैं, जो कि प्रयास कर रहे हैं और आजीविका तक ज्यादातर सीमित है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को इसमें ज्यादा सहूलियत मिल रही है, ज्यादा वो आगे सोच पा रहे हैं, ज्यादा वो प्रबंधन कर पा रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। और इस विषय पर चर्चा के लिए कोई प्रश्न हो या कुछ और लोग चर्चा करना चाहें, प्रश्न पूछना चाहें? यदि नहीं तो मैं इस पर एक कमेंट करना चाहता हूं जी। कि आजकल ऐसा है कि पूरी दुनिया में वेस्टर्न सोसाइटी का पॉपुलेशन घट रहा है या स्टैटिक है। आप पूरे यूरोप को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, तो सभी जगह ये पॉपुलेशन घट रहा है या पॉपुलेशन स्टेबल है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो नॉर्मल ग्रोथ होता है बर्थ से, वो काफ़ी घट गया है। इसलिए ये जो प्रवासन है, प्रवासन को विदेश में भी माना जाता है कि उनको नया यंग ब्लड चाहिए, नया कार्यकर्ता चाहिए, युवा कार्यकर्ता चाहिए, इसके लिए प्रवासन काफ़ी बढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि पूरे देश में, पूरे पूरे संसार में दो ही देश है सबसे अधिक जो जिसमें जनसंख्या है और जिससे काफ़ी लोग बाहर जा रहे हैं, चीन है और दूसरा कि भारत है। खुद ऑस्ट्रेलिया मैं देखता हूं कि भारत के काफी लोग हैं, चीन काफी लोग हैं और यहाँ काफी आवर्जन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। और आजकल देखते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग हाईली एडवांस्ड हैं, टेक्निकल हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं या उच्च शिक्षा वाले हैं, वो चाहते हैं कि हमारा माइग्रेशन किसी वेस्टर्न कंट्री में हो, क्योंकि यहाँ सुविधा अधिक है, पढ़ने की सुविधा अधिक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अधिक है, अच्छी है, और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के लिए भी और काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ आप रिसर्च कर सकते हैं, आप जो है सो शामिल हो सकते हैं, चाहे साइंस में हो, विज्ञान में हो, इंजीनियरिंग में हो, तो आपका आपका योगदान होगा, वो योगदान बढ़ेगा और आपकी ख्याति, आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। इसलिए इन देशों में काफ़ी लोग आ रहे हैं। जहाँ तक सवाल है आने का, अब इन देशों में अधिकतर लोग जाते हैं जो कि वेल एजुकेटेड हैं,
जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप है, इवन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आवृजन के लिए एक एक पता नहीं आपको पता है कि नहीं, एक पॉइंट सिस्टम है। जब भी आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक पॉइंट सिस्टम है, उसमें है कि आपकी योग्यता क्या है, आपका आपने क्या एक्सपीरियंस क्या है, आप अंग्रेजी कितना जानते हैं, राइट, आपके आपका एज क्या है, आपकी आपकी यहाँ पर। और ऑस्ट्रेलिया में एक प्रायोरिटी लिस्ट है, किस लिस्ट में उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट है, हम किसको प्राथमिकता देंगे जी। आने के लिए, बहुत लोग चाहते हैं लेकिन प्राथमिकता किसको हम दें, यही चीज ऑस्ट्रेलिया में है और यही चीज अब धीरे से अमेरिका में भी लागू होने जा रहा है और कनाडा भी यही करता है। इसलिए एक प्राथमिक लिस्ट बना हुआ है कि किस पेशा में, किस रोजगार में हमको आदमी चाहिए, जैसे नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, वो प्रायोरिटी सेक्टर में है जी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप मान लीजिए किसी विषय में आप पीएचडी हैं और कोई दूसरा है कहीं से नर्स है तो उसको अधिक प्रायोरिटी है ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए पहले। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से या इवन आप इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी से आप यदि किसी विषय में आर्ट्स में, आर्ट्स में और लैंग्वेजेज में पीएचडी है तो आपकी प्रायोरिटी कम है, क्योंकि इस देश को चाहिए वैसा आदमी चाहिए जो कि इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें। तो इस ख्याल से जो आप लोग चूंकि भारतवर्ष में हैं और आपके काफी लोग आपसे भी आपसे पूछते होंगे, आपसे सहायता मांगते होंगे या आपसे या आपकी राय जानना चाहते होंगे कि हम क्या करें, तो उनके लिए यह कहना आवश्यक होगा कि आप स्किल्ड लेबर की काफी जरूरत है। स्किल्ड लेबर में है जैसे कि कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, मोटर मैकेनिक है, इनकी बहुत जरूरत है। और लोग समझते हैं कि यहाँ पर उनको उनका पे कम नहीं है आर्थिक स्थिति से, यहाँ लेबर बहुत महंगा है और यह पूरे वेस्टर्न कंट्री में है। इसलिए जो लोग इलेक्ट्रीशियन हैं, जो लोग प्लम्बर हैं, जो लोग मैकेनिक हैं या जो लोग कार मैकेनिक हैं, जो नर्स हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं, दे आर वेरी वेरी हाईली इन डिमांड। इसलिए वैसे लोगों को आप यहाँ पर आप वहाँ चुके हैं तो इस तरह का डिस्कशन होना चाहिए कि कैसे लोगों को बाहर की जरूरत है उनको आना चाहिए। दूसरी बात है कि वहां से हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि भारत से मिडिल ईस्ट में काफी लोग जाते हैं, मिडिल ईस्ट में शुरू से ही काफी लोग जाते हैं, अरब देश में जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन अरब देशों में परमानेंटली अस्थायी रूप से रहने का प्रावधान नहीं है। वो आपको परमानेंट इमिग्रेशन नहीं देते हैं, सिटीजनशिप नहीं देते हैं। इसलिए वहां जो भी जाते हैं वो ये मानकर उनको चलना चाहिए कि आपको दो साल, चार साल, पांच साल में आप देश छोड़ना पड़ेगा। और हमारे यहाँ कई एक साथी हैं, हम कई एक लोगों को यहाँ देखते हैं कि वो भारत से पहले मिडिल ईस्ट में गए, दुबई में गए, ईरान में गए, इराक में गए, नाइजीरिया में गए, अफ्रीका में, जो बहुत जगह गए और कुछ सालों के बाद वो चाहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया आ जाए। काफी लोग यहाँ आए भी हैं क्योंकि बाहर में रहने से आपको स्किल्स बढ़ जाता है, आप काम करने की शैली बढ़ जाती है, तो वो लोग जो पॉइंट सिस्टम है वो पॉइंट सिस्टम में वो लोग आगे निकल जाते हैं और लोग आ रहे हैं। तो इसलिए आप एक मिडिल ईस्ट में जाना एक क्या कह रहे हैं, फर्स्ट एक प्रथम सोपान है, प्रथम सीढ़ी है, काफी लोग उसको प्रथम सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब बाद में वहां से निकल कर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, यूरोप है, यहाँ से वहां जाते रहते हैं। तो इस बात का भी ध्यान लोगों के बीच रहना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टॉक, योर टॉक वाज वेरी वेरी वेल रिटन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, काफी धन्यवाद। और आपने कहा, देखिए वर्धा के बारे में एक एक लाइन, हम वर्धा इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप हैं वहाँ मुन्ना लाल गुप्ता हैं, मुन्ना लाल गुप्ता को आप जानते होंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी संचालन करते हैं जिसका मैं भी मेंबर हूँ और उनसे हमको काफी कई एक बार बातें भी हुई है, हमने किताबें भी हमने उनको भेजी है। और तो मुन्ना लाल गुप्ता जी हैं और हम समझते हैं राजीव रंजन राय सर हैं, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम को आगे बढ़ाते रहिए, धन्यवाद, धन्यवाद सर। अभी एक बार वैसे मुझे दिख नहीं रहा पार्टिसिपेंट लिस्ट में, लेकिन फिर भी मुझे एक बार मैं नाम ले लेता हूँ, मिस्टर मौर्य, डॉक्टर राजेश मौर्य और जेपी मित्तल, इनका एक प्रेजेंटेशन था और एक जो नाम मेंशन है यार, मिस्टर रजनीश कुमार, अगर वो दिख नहीं रहे हैं, कोई है नहीं तो फिर शामिल नहीं होंगे, तो कुछ आप कुछ कुछ आप अपनी बात कहिए, आप बताइए इसके बारे में। जी सर, और समय भी हो रहा है, ऑलरेडी 9:15, 45 मिनट समय भी हो गया है। जी सर, तो अभी 15 मिनट बच रहे हैं,
15 वो ही ना कहा कि 45 मिनट हो चुका है, 15 मिनट समय है, तो आप कुछ कहें। बिल्कुल सर, मैं एक और पहले जानना चाहता हूँ, इसके पहले कि मैं कुछ बोलूँ, पहले ये बताइए कि आप कहाँ पर काम करते हैं। जी सर मैं बता रहा हूँ सर। राइट राइट, क्या आपका विषय रहा है? जी सर, एक मिनट में एक जानकारी बस ले लूँ पहले। फिरोज खान का यहाँ रिपोर्टियर पे मेंशन है नाम, फिरोज खान भी नहीं दिख रहे हैं मुझे ख्याल से, मुझे रिपोर्टियर का भी काम करना है। इज इट क्लियर ना, फिरोज खान नहीं है ना यहाँ पे रिपोर्टियर के लिए? ठीक है, है? अच्छा, मैं ये रूम संभाल रहा हूँ, मोहसिना नूरिन जो है शी इज डूइंग रिपोर्टिंग। ओके, आई एम हियर, आई एम डूइंग द रिपोर्टियरिंग। सो यू वुड बी मेकिंग योर प्रेजेंट योर रिमार्क्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड सेशन, राइट? After the second session or after this session only? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, सब आप ही को करना है। ओके, रिपोर्टिंग, ठीक है? ओके सर, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, अंग्रेजी बोलने की हम लोगों की ऐसी आदत पड़ गई है, अंग्रेजी की ऐसी लत है ना कि हमें ध्यान नहीं रहा कि ये हिंदी का सेशन है, इसलिए हमने अंग्रेजी से शुरुआत की, तो इसके लिए सबसे पहले मैं माफी मांगता हूँ। ये हिंदी का सेशन है और मुझे हिंदी में ही बोलना चाहिए था। शुरुआत करता हूँ मैं अपने परिचय से। प्रोफेसर कौशल जी, मैं आपके पोस्ट बराबर देखता रहता हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कई मेंबर हूँ, मुन्ना लाल जी का ना हिंदी माइग्रेशन एंड डायस्पोरा ग्रुप का, उसका मैं मेंबर हूँ और उसमें बराबर आपकी पोस्टिंग देखता रहता हूँ। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार गुप्ता हूँ। मैं शौकिया बस हिंदी में लिखना मैंने शुरू किया, मैंने कहा मैं तो फिजिक्स आदमी रहा हूँ तो हिंदी में भी लिखता हूँ और मैं अंग्रेजी में भी लिखता हूँ, तो अंग्रेजी में भी कई किताबें हैं, हिंदी में ही मेरे कई किताबें हैं, कभी व्हाट्सएप पर भेज देंगे आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल पर चलेगा सर। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार गुप्ता, मैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, गांधीनगर में बेस्ट है, गुजरात की जो राजधानी है, और यहाँ पर मैं एक डायस्पोरा अध्ययन विभाग खोला गया है, सेंटर फॉर डायस्पोरा स्टडीज। ये हिंदुस्तान का सबसे पहला सेंटर है जो फुल फ्लेज सेंटर, मतलब वैसे तो कई जगह डायस्पोरा की पढ़ाई होती है लेकिन जो डेडिकेटेड है डायस्पोरा स्टडीज के लिए फुल फ्लेज सेंटर है, जिसमें 6 फैकल्टीज हैं। तो ये सेंटर में हम लोग काम कर रहे हैं, 2017 से हम यहाँ पे हैं, और इसके पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था, उसके पहले मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, अपनी डॉक्टरेट किया है, और मेरा मूलतः काम जो है जो भारतीय डायस्पोरा अफ्रीका महाद्वीप में है उस पर मैंने काम किया है। ऑफकोर्स अब चूंकि डायस्पोरा अध्ययन विभाग में है तो हर एक जगह की स्टडी करते रहते हैं हम लोग। हमने अभी बीते दिनों में ओशियाना रीजन पे भी कुछ काम किया है, जिसमें हमने फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इंक्लूड किया था। तो ये तो मेरा परिचय है, मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं काफी सारे, डायस्पोरा पे ही है। चूंकि अंग्रेजी का माहौल ज्यादा चलता है तो इसलिए अंग्रेजी में ही ज्यादा चीजें लिखी हैं, हिंदी में बहुत कम, कोशिश किया है अभी कुछ लिखने का, कुछ एक आर्टिकल है मेरे हिंदी में जो जल्दी पब्लिश होंगे। तो ये तो सर छोटा सा मेरा परिचय है। मैं GRFDT से जुड़ा रहा हूँ शुरुआती दिनों से, जब से ये कंसीव कर रहा था 2013-14 में, तब से जुड़ा रहा हूँ, उसका जनरल सेक्रेटरी भी रहा था, ट्रेजरर भी रहा हूँ, और चूंकि यहाँ आ गया हूँ तो उतना जुड़ाव भी नहीं है, दिल्ली बेस्ड संगठन है ये, तो दिल्ली के लोग ज्यादा इस पे इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन कभी भी अकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं तो हम उसमें बराबर पार्टिसिपेट करते हैं। समय धीरे धीरे कम हो रहा है, 10 मिनट करीब बच रहे हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ दूसरे अपने सेशन का, तो मैं रिपोर्टरिंग का काम भी साथ में कर लेता हूँ, एक डिस्कशन का काम कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ जो राजू कुमार ने बोला, राजू कुमार को मैंने शायद देखा हमारे यहाँ पे भी आए हुए थे, कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था शायद, और काफी अच्छा काम किया है, काफी अच्छा लिखते हैं और प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। आपने जो डायस्पोरा में एलएम सिंघवी साहब का जिक्र किया, उनके योगदानों का, निश्चित तौर पर उनके योगदान को किसी भी तरह से कम करके नहीं आंका जा सकता है। मुझे सौभाग्य मिला था सिंघवी सर से कई बार मुलाकात करने का, और उनके साथ कई कॉन्फ्रेंसेस में हमने पार्टिसिपेट किया था, तो हालांकि मैं बहुत छोटा था, और उन्हीं से बहुत कुछ प्रेरणा मिली थी मुझे इस पे चर्चा करने के लिए, इस पे विषय पे काम करने के लिए। जब डायस्पोरा शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कौशल सर भी बोल रहे थे, डायस्पोरा, प्रवासी, बहुत सारे टर्म्स हम इंटर रिलेटेडली यूज करते हैं, लेकिन अगर हम पारिभाषिक तौर पर जाएं और अगर भाषा शास्त्री से मिलें तो वो बताएंगे कि दोनों शब्दों में काफी डिफरेंसेस हैं, और इसीलिए
जो डायस्पोरा कमेटी की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने डायस्पोरा यूज किया, प्रवासी नहीं यूज किया, क्योंकि जब हम प्रवासी की बात करते हैं तो प्रवासी जो होता है बेसिकली टेम्परेरी माइग्रेंट्स के लिए यूज होता है, थोड़े समय के लिए हम कहीं गए और वहां पर बस गए, जबकि इसके बदले में उन्होंने जो सिंघवी सर जैसा आपने जिक्र किया भारतवंशी शब्द का उन्होंने उल्लेख का जिक्र करना उन्होंने ज्यादा पसंद किया था, लेकिन भारतवंशी शब्द का प्रयोग उन्होंने कहा आर्टिकल भी लिखे थे इसको लेकर के भारतवंशी को लेकर के, लेकिन भारतवंशी जब शब्द प्रयोग करते हैं तो उसकी अपनी परेशानियां हैं। ये इसलिए परेशानी क्योंकि विशेष तौर पर कई जगहों पर अफ्रीका महाद्वीप में या जब वो इंडेंचर के रूप में जो गए थे, गिरमिटिया के रूप में गए थे जिन देशों में, उन देशों में विशेष रूप से समस्या है, क्योंकि कई बार आज भी उनको विदेशी माना जाता है, उनको ये कहा जाता है कि तुम तो भारत से आए हो और तुम्हारी जो लॉयल्टी है, तुम्हारी जो प्रतिबद्धताएं हैं इस देश के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारी प्रतिबद्धताएं उस देश के लिए है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया कि अगर भारतवंशी शब्द जैसा इस्तेमाल कर दिया गया तो ये जो उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं ये आरोप और तेजी से लगेंगे और ज्यादा मुसीबतें आएंगी उन लोगों के प्रति के ऊपर जो कि वहां पे ऑलरेडी अल्पसंख्यक समुदाय हैं और बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। फिर काफी सारा इसमें खोजबीन करने के बाद डायस्पोरा शब्द जो है बहुत सारे डिस्कशन हुआ कमेटी में, उसके बाद डायस्पोरा शब्द इस्तेमाल किया गया और डायस्पोरा का जो है ये मीनिंग बताया गया कि डायस्पोरा ऑफकोर्स एक ज्यूइश टर्म है जो कि वो लोग ज्यूइश माइग्रेशन के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया था इसराइल के संदर्भ में, लेकिन डायस्पोरा जो है तो अब बराबर बहुत सारे देशों ने इस टर्म को यूज किया है और ये एक कॉमनली यूज टर्म बन गया है। और उसके अलावा डायस्पोरा की एक जो मीनिंग है वो निकाली गई है हमारे हिंदी वर्ड से और वो है दिया। जैसे कि दिया जलता है, खुद जलता है और आसपास पूरे को रोशन करता है, वैसे ही ये भारत की ज्योति है, भारत एक दिया के रूप में बताया गया है और वो जो है तो वो प्रॉस्पर कर रहे हैं, वो जो है तो ज्योति फैला रहे हैं पूरे विश्व में। तो ये एक डायस्पोरा की जो हिंदी में मीनिंग देने की कोशिश की गई है। और निश्चित तौर पर एल एम सिंह साहब का योगदान किसी तरह से कम नहीं किया जा सकता है, इनफैक्ट आज की जो भी डायस्पोरा की एंगेजमेंट है वो बहुत कुछ उनकी जो रिपोर्ट तैयार की गई और जो बहुत पेनफुल टास्क था वो उस दौरान उन्होंने 50 देशों का दौरा किया, वहां के लोगों से जाकर के मिले। मैं तो केन्या में जब ही था तो केन्या के लोगों ने मुझे बताया कि वहां बराबर जाकर के वो बैठे लोगों के साथ, भारतीय समुदायों के साथ, बराबर चूंकि जनसंख्या तक का भी आंकड़ा नहीं था हमारे पास कि कितनी, कोई स्पेकुलेशन नहीं था, उन्होंने बैठ के पूरे समुदाय जो थे भारत के उन समुदायों को मिला करके बैठ करके उनके साथ बैठके कर करके उन्होंने आंकड़े जो है तो अनुमान जो है तो जनरेट किए उस टाइम पे कि अच्छा कितनी संख्या हो सकती है। इसीलिए आप देख सकते हो जो डायस्पोरा कमेटी की रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी फैलेसीज, बहुत सारी कमियां हैं। आप देखोगे डाटा को लेकर के अंदर कुछ और डाटा दिया गया है, बाहर टेबुलेशन में कुछ और डाटा है, और उसके बाद फिर आप देख रहे हो पिछले अगले 20 में बराबर जो है तो रिवाइज होते रहते हैं डाटा। तो कभी आप देखते हो कि हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी संख्या कम बता दी जाती है उस रिपोर्ट से, कभी बहुत ज्यादा बता दी जाती है। ये सारी परेशानियां जो हो रही हैं वो उसकी वजह से हो रही हैं। और ये क्योंकि संभव ही नहीं है कि हम दूसरे देश में जाकर के हम पूरा जो है तो जनसंख्या जो है तो जैसे भारत में जनसंख्या आप होती है हर 10 में तो वैसे करें, और जब हमारी जनसंख्या होती है इतना तामझाम करके हम जनसंख्या जनगणना करते हैं उसके बावजूद भी उसमें कमियां रह जाती हैं। तो डायस्पोरा के जो संदर्भ में तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं, ये चेंजेस होते रहते और इतना हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये अनुमान रहेंगे, कभी भी ये जो है तो एक सही गणना नहीं हो सकती। एक कमेंट हम करना चाहेंगे, एक टिप्पणी करना मैं चाहूंगा, डायस्पोरा शब्द तो हिंदी का शब्द है नहीं, ये तो अंग्रेजी का शब्द है, इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी से है। तो डायस्पोरा का जो इस्तेमाल होने लगा है इधर जाकर, क्योंकि जैसे आपने कहा ना जो 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 माइग्रेंट है फर्स्ट जनरेशन का माइग्रेंट है वो कितने भी दिन बाहर रह जाते हैं वो अपने आप को समझते हैं कि मैं एक प्रवासी हूँ, 10-20 इंडिया में रहने के बाद यदि आप बाहर जाते हैं तो आपका रहन सहन, आपके खान पान, आपकी वेशभूषा सब कुछ मोस्टली अधिक से अधिक इंडियन रहती है। सवाल है डायस्पोरा शब्द का इस्तेमाल करने में होता है कि दूसरी तीसरी पीढ़ी के भी लोग हैं उनको भी हम एक समेटना चाहते हैं,
ऐसे जो हम आए हैं तो मान लीजिए कि हम हैं तो हम तो प्रथम पीढ़ी के माइग्रेंट हैं, तो हम भारतवंशी भी कर सकते हैं, भारतीय भी कर सकते हैं, और हम प्रवासी भी सभी कुछ भी कर सकते हैं, वो मेरे लिए है। लेकिन क्या बात है, लेकिन क्या मेरे बच्चों के लिए और मेरे ग्रैंड सन्स के लिए और सेकंड थर्ड जनरेशन के लोगों को आप क्या कहेंगे? उनके लिए तो भारत उसी तरह से है जिससे भारतीय के लिए अमेरिका है। यहाँ से जो द्वितीय तीसरे पीढ़ी के लोग जाते हैं वो भारत में जाते हैं भ्रमण के लिए, टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं, वो भारत जाते हैं टूरिस्ट वीजा पर। जिस तरह से हम लोग भारत से अमेरिका या स्विट्जरलैंड या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाते हैं तो ये टूरिस्ट बनकर जाते हैं। तो इसलिए दूसरी तीसरी पीढ़ी के यहाँ भी जो भारत भारतीय वंशी हैं, भारत के मूल के लोग हैं, वो लोग भारत जाते हैं भ्रमण करने के लिए, उनको टूरिस्ट वीजा मिलता है, टूरिस्ट वीजा होकर जाते हैं। इसलिए डायस्पोरा शब्द का हमको लगता है कि एक ये अंग्रेजी शब्द होते हुए लोगों ने अडॉप्ट किया कि इसमें वो सभी लोग आ जाएं जो कि प्रथम पीढ़ी के माइग्रेंट्स हैं, दूसरे के हैं, तीसरे के हैं, सभी लोग एक साथ आ जाएं। इसीलिए इस शब्द का शायद इस्तेमाल हुआ होगा। सर डायस्पोरा में वो लोग भी हैं जिनके लिए भारत अपनी माँ आज भी है, और वो लोग भी हैं जिनके लिए भारत दादी माँ है। आपके बच्चे के लिए तो ऑस्ट्रेलिया उसकी माँ हो गए, मातृ देश हो जाएगा, लेकिन दादी माँ तो भारत रहेगी ना। राइट, इस संदर्भ में हम ये डायस्पोरा शब्द यूज करते हैं। वो जो जैसे अमेरिका सिटीजन हो गए हैं, ब्रिटिश सिटीजन हो गए हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो गए हैं, 50 साल से रह रहे हैं, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, तो वो तो सिटीजन के रूप में देखिएगा, नागरिकता के रूप में देखिएगा, तो कोई अमेरिका का नागरिक है, कोई ब्रिटेन का नागरिक है, कोई ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है, तो उसको आप अच्छा, और उसको आप भारतीय का मतलब तो एक जैसे होता है कि जो भारत में रहते हैं जिनको भारतीय सिटीजनशिप है उनको तो है नहीं। इसलिए डायस्पोरा शब्द का इस्तेमाल करने से वो सभी लोग उसमें आ जाते हैं, इसीलिए शायद डायस्पोरा शब्द का इस्तेमाल। चलिए, और दूसरा जो प्रेजेंटेशन है शक्ति सिंह जी का दो उत्प्रवाह के संदर्भ में है। उत्प्रवाह का जो माइग्रेंट के हिंदी अर्थ के रूप में लिया है आपने, देखिये उत्प्रवाह जो है, जो माइग्रेशन है, वो तो एक कंटिन्यूअस फिनोमेना है, हमेशा होती रही है और चलती रहेगी। इनफैक्ट ये तो मानव का स्वभाव है कि एक जगह से दूसरी जगह वो प्रवास करता है। प्रवासी जो है तो दोनों से होते हैं, जो कि देश के अंदर प्रवास करते, जैसे मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ गुजरात में आ गया हूँ तो मैं भी प्रवासी हूँ। अगर हम यहाँ से कहीं और से चले जाएंगे, गांधीनगर से अहमदाबाद गए, वहां जाकर रहने लगे, तो वो भी एक प्रवास होगा। लेकिन जो डायस्पोरा के संदर्भ में जिस प्रवास का हम बात करते हैं, वो प्रवास जो तो आंतरिक प्रवास कभी भी नहीं होता है। डायस्पोरा वही होता है, क्योंकि डायस्पोरा का जो टर्म है, जो इसका जो शाब्दिक अर्थ लिया गया है, जो इसको परिभाषित किया गया है, इसको राष्ट्रीयता की सीमाओं पर बात किया गया है। तो अगर हम अपनी राष्ट्रीयता की सीमाएं, संप्रभु देश की सीमाएं पार कर जाते हैं, तभी हम डायस्पोरा हो सकते हैं। हम अंदर ही अंदर प्रवास करें, कहीं भी जाते रहें, हर एक देश के अंदर इतनी लिबर्टी होती है कि वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाएगा। तो जब भी हम डायस्पोरा से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं या उस पर बात करें, तो हमें आंतरिक प्रवास तो की हम उस पर चर्चा नहीं करते। अफकोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उसके महत्व को नहीं मैं नकार रहा हूं कि वो कम महत्वपूर्ण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि कई बार ज्यादा महत्वपूर्ण भी होगा। लेकिन जब डायस्पोरा की चर्चा करेंगे तो हमें अंतरराष्ट्रीय प्रवाह का ही ध्यान रखना होगा। और रेमिटेंसेस की जिसकी बात की आपने, जो आर्थिक धन भेजते हैं, निश्चित तौर पर चूंकि उनकी फैमिलीज वगैरह यहाँ पे होती हैं, तो आप देखोगे जो जो, जो, जो न्यू डायस्पोरा है, जिसको एनआरआई आप बोलते हैं, एनआरआईज का ज्यादा से ज्यादा जो होता है रेमिटेंसेस आता है आपकी कंट्री में, और वो भी उन क्षेत्रों से आता है जहां पर सिटीजनशिप मिलने की उनको संभावना कम। जैसे कौशल सर बोले थे कि जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जीसीसी कंट्रीज जो हैं, वहीं से आएगा रेमिटेंसेस, क्योंकि उनको वहां सिटीजनशिप मिलने का कोई चांस नहीं है। वो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो वहां से कहीं और माइग्रेट करें किसी और देश में, या फिर वो भारत में, ये मतलब ये लॉन्ग टर्म बना के चले कि 10 साल बाद 20 साल बाद हमें भारत आना है, तो ऑफकोर्स वो भारत में आपका चीजें भेजेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराना डायस्पोरा जो है, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनका भारत से लगाव कम है या उनका योगदान भारत के विकास में कम है। हमने भी कुछ अध्ययन किए हैं इसको लेकर के। अब गुजरात को के रीजन को ले लीजिए, छगन गोल का रीजन है, जहां से एक टाइम पे सबसे ज्यादा प्रवास हुआ था अफ्रीका में,
और वही लोग जाकर के आज तमाम देशों में फैले हुए हैं, डबल माइग्रेशन हो गया उनका। आप सेकंड गोल रीजन को देखिए, वहां पे जितना भी डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल्स लेकर के स्कूल्स कॉलेज सब कुछ डायस्पोरा ने बनवाया हुआ है, और किसी ने के तो उनके भी योगदान को कम नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि जो जो रेमिटेंसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के संदर्भ में शायद एनआरआई ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज जिनको हम कहते हैं चैरिटी काम होते हैं, वो डायस्पोरा और के जो ओल्ड डायस्पोरा जो पीआईओज हैं, भारतीय मूल के लोग और अप्रवासी भारतीय, दोनों मिलकर के बराबर का योगदान देते हैं। बस इतना से ऑब्जर्वेशन के साथ, चार भी बज रहे हैं घड़ी में, तो मैं दूसरे जो सेशन का टाइम नहीं खाना चाहता हूं, और मैं कौशल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पहली बात तो परिचय हो गया उनसे, ये बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आगे भी संपर्क बराबर बना रहेगा सर। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं कि सर आप अनुमति दें तो हम सेशन की समाप्ति, समय हो रहा है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम लोग संवाद में आते रहेंगे, और दूसरा कोई संवाद होगा तो इसमें और लोगों को लाइए, हम लोग अधिक संवाद से करेंगे। और ये भी तो समझिए कि कोरोना वायरस का ऐसा असर हुआ कि जूम सब जगह हो गया है, सब जगह लोग जूम से बात कर रहे हैं, ये इसको इसका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कहिए कोरोना का, तो कहा जा सकता है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ कोरोना। कौशल सर से मैं आग्रह निवेदन करना चाहूंगा कि जब वे भारत आए तो विश्वविद्यालय में आए, हमारे विभाग में आए, अपना एक छोटा देखेंगे दूसरी बार हम आएंगे, अभी तो फरवरी में हम लौट कर आए हैं। जी जी, हम तो हर वर्ष इंडिया जाते हैं, हम इंडिया आते ही जाते रहते हैं। इस बार भी गए थे तो हम फरवरी मार्च में लौट कर आए हैं, मार्च के सेकेंड वीक में हम लौट कर आए हैं, 16 मार्च को हम लौट कर आए हैं। देखिए 22 मार्च से तो पूरा इंटरनेशनल ट्रेवल बंद हो गया, सब लॉकडाउन हो गया, इंटरनेशनल ट्रेवल खत्म हो गया, हम चले आए, अगर नहीं रहते तो इसलिए इस बार अभी भी बहुत से ऑस्ट्रेलियन बाहर में फंसे हुए हैं और सब फ्लाइट बंद हो गया है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया एक टूरिस्ट कंट्री भी है, काफी लोग ऑस्ट्रेलिया में 70,000 लोग अभी फंसे हुए हैं, यूरोप से, अमेरिका से, भारत से, सब जगह से फंसे हुए हैं। वो आए लेकिन बीच में एकाएक इंटरनेशनल ट्रेवल बंद हो गया, तो इंटरनेशनल फ्लाइट तो धीरे धीरे वो दो चार फ्लाइट्स आ रही हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और वो फ्लाइट है सो चार्टर फ्लाइट्स हैं, नॉर्मल बिजनेस फ्लाइट्स अभी बंद हो गया है। अब देखिए कब तक खुलता है, अब इस कोरोना का असर कब तक रहता है तो अब आगे की बात है। जी जी जी, एक्चुअली कोरोना में हम कई कविता लिखते रहते हैं, तो कोरोना पर हमने एक हमने दो चार लाइन कहीं लिखा था, दुनिया ठहर गई है जी, दुनिया ठहर गई है, सभ्यता की परिधि सिकुड़ रही है, सिविलाइजेशन द सर्कल ऑफ सिविलाइजेशन इज श्रिंकिंग। तो दुनिया ठहर गई है, सभ्यता की परिधि सिकुड़ रही है, वैश्वीकरण की यात्रा पर अर्धविराम लग गया है, वैश्वीकरण की यात्रा पर अर्धविराम लग गया है, सेमीकॉलन, कब खुलेगा पता नहीं, सेमीकॉलन लग गया है। धैर्य रखें, विषाद का अंधेरा खत्म होगा, सुबह की लालिमा क्षितिज पर दिख रही है, सुबह की लालिमा क्षितिज पर दिख रही है। वाह सर, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत खूब सर, बहुत 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 बढ़िया सर, आपकी कविता पूर्ण आत्मविश्वास से भरी हुई, एक आसान्वित नए सुबह सवेरे को जगाती हुई कविता तो लंबी है, लेकिन हमने कहा कि मैंने अभी जो हम जिस फेज से हम लोग गुजर रहे हैं, है ना, जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस फेज से हम लोग गुजर रहे हैं, उसका ही हो गया है कि दुनिया सिकुड़ रही है, सभ्यता की परिधि घट रही है, वैश्वीकरण पर अर्धविराम लग गया है, हमारा आना जाना बंद हो चुका है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग आसान्वित रहें, आशा को नहीं छोड़ सकते हैं ना, आसान्वित रहें, निराशा हो जाने पर, निराशा इज ए स्टेप टुवर्ड डिके, कोई भी जो पेसिमिज्म है, पेसिमिज्म इज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड डिके, तो वी हैव टू रिमेन ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, उसी संदर्भ में है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर। सो विद दीस ब्यूटीफुल ऑप्टिमिस्टिक लाइंस वी एंड दिस सेशन, एंड now I hand over this session to Firoz Khan. Are you there? The technical in charge of this room in charge? I am here, sir. I am Firoz. So I hand over it to you for the next session, which will be in Arabic and coordinated by Mr. M. Farahat.
गुप्ता सर, हेलो, हाँ नमस्ते सर, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम, नमस्ते जी सर, इस सेशन को हम लोग बंद कर रहे हैं, ठीक है सर, आशीर्वाद बाय रखें सर, आशीर्वाद जरूरी है आपका, थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों को धन्यवाद, चलिए थैंक यू सर, ओके सर, सो आई एम लीविंग दिस सेशन नाउ, यस सर सर सर, ओके थैंक यू सर, ओके थैंक्स. Sir Farhat, over to you. Okay, I'm still waiting for the presenter. I don't know if he's here or not. I think he's still. It's Professor Hamid Yusuf. This is not here, yes. So Farhat, unmute your mic. Hi. Hi all. Do you hear me? Yes, yes. We can hear you now. Continue. Okay, but you are, I think I will share this session, and also I think we have to wait to Dr. Hamid Yusuf, who is will present during this session in Arabic. Yes, see, Rola Hamati and one more presenter is supposed to come here, but maybe some technical issue. So you can present your paper. It is going live. So there will be no issue. It will be recorded also. Sorry, I can't to present what? I'm saying ki Rola Hamati and one more presenter is supposed to come here in this room for Arabic presentation. But maybe due to some technical issues, they are not present here. But you can continue presenting your paper. And it is going live on Facebook as well as it is getting recorded. So there will be no issue. No, I know that, but I would like to clarify something. I'm not representer during this session. The presenter is Dr. Hamid Yusuf. I'm supposed to be the coordinator of the session. And Rola should be the chair of the session, but I think Mr. Rola will not attend, but I think we have to wait to Mr. Hamichu. Okay, this Gufran. Yeah. Dr. Gufran, and one more is Professor Hamitu Yusuf. Yes, exactly. So we can wait for another five minutes.